हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से रहें। तो आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याली बेसन, पौन प्याली चीनी का पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, दो चम्मच पानी, दो से तीन चम्मच देसी घी, छोटी इलायची और छोटी इलायची का पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों से बेसन के लड्डू बना लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी और इसको मेल्ट कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। सो गाइस, अब हम इसको लो टू मीडियम आंच पे भूनेंगे। अगर घी की हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल लेंगे। सो गाइस, चम्मच आपने हिलाते जाना है ताकि ये लगे ना नीचे। सो गाइस, बेसन हमारा हो चुका है। अब हम इसमें पानी का छींट लगा लेंगे ताकि लड्डू हमारे दानेदार बने। और जब तक ये झागनी खत्म होगी तब तक हम इसको फुटाएंगे। बेसन तकरीबन भून चुका है। सो गाइस, अब हम सारे मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। सो गाइस, ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। सो गाइस, अब हम इसमें डालेंगे चीनी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सो गाइस, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। सो गाइस, अब हम इनसे लड्डू बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने बनाने हैं। सो गाइस, बेसन के लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।